फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल एंड वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आ गई हूँ अपनी टेरिस पर, जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और थोड़ा बहुत साथ मेरे बड़े बेटे ने भी दिया, अपने पॉट्स को करने लगे हैं कलर। यानी जो गमले होते हैं वो थोड़े से पुराने हो गए थे, डर्टी डर्टी से लगने लगे थे, तो उनको फ्रेश अच्छा लुक देने के लिए, क्योंकि इस टाइम गार्डनिंग का शौक कुछ ज़्यादा हो गया है, तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारे कर डाले हैं। कलर थोड़े बहुत बाकी हैं, ये इनको भी कलर अब धीरे धीरे करके पूरा करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। उधर कलर रखे हुए हैं, तो ये रेड रेड कलर में सब किया हुआ है। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगी, ये जो है ये पाइप से बना हुआ है, ये पाइप को जोड़ जोड़ के ये हम लोगों ने खुद बनाया है। स्पेशली मेरे हस्बैंड की ज़्यादा मेहनत है, उन्होंने एक ही ग्रीन और ये रेड वाला, ये उन्होंने अपने आप से बनाया है पाइप को ज्वाइन कर कर के। जो पाइप्स होते हैं जिनसे पानी निकलता है वो वाले पाइप हैं, उसी को ज्वाइन कर कर के इस तरह से बनाया है पॉट का स्टैंड। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया उनका ये आइडिया। तो ये सारे मेरे टेरिस का है और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था ईद के टाइम पर। तो इसमें से एक प्लांट अभी नहीं लग पाया है, तो उसको मैंने अलग उधर धूप में रखा हुआ है ताकि वो लग जाए, फिर इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने अमेज़ॉन से ये मंगाए थे, ये छोटे छोटे से पॉट्स, लेकिन ये गलती हो गई थी क्योंकि जब मंगाए थे तो उसका साइज़ नहीं देखा था कि उसमें कितना साइज़ दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़े से बड़े बड़े से आएंगे, तो बड़े नहीं आकर काफ़ी छोटे आ गए। तो इसमें कोई बात नहीं, मिनी प्लांट्स जो होते हैं वो लगा दिए हैं, जो हैंगिंग प्लांट्स होते हैं वो लगा दिए हैं इस तरह से। और ये अभी करीब मैंने शायद 24 ऑर्डर किए थे, तो अभी ये कुछ लगे हैं, कुछ बाकी हैं। बाकी ये हैंगिंग प्लांट्स कुछ इधर भी लगे हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। धीरे धीरे मैं आपको पूरा अपना टेरेस का भी दिखाऊंगी, पूरा एक प्लांट्स का पूरा बना के दिखाऊंगी अच्छे से। ये है मेरे स्टेयर्स से जब नीचे मेरे रूम की तरफ जाने लगते हैं, यानी टेरेस से वहाँ का है। वहाँ पर भी काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। अब मैं अपना नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये सारी मेहनत अब मेरे हस्बैंड को जाती है, क्योंकि उन्होंने ये पूरा संभाल लिया है, उनको ज़बरदस्त गार्डनिंग का शौक़ हो गया है। तो उन्होंने ये काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से इनको मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो काफ़ी मैंने अपने हस्बैंड के पीछे बढ़ के ज़बरदस्ती जाली मंगा के जो नेट टाइप का है इसको लगवाया है, ताकि मैं अपनी बेल्स जो हैं उनको इस पर चढ़ा सकूँ। इस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी बेल्स हैं जिनको इस पर चढ़ाऊँगी, जैसे कि ये है 1, 2, 3 और एक ये मालती की इधर है, और साथ साथ एक इधर है ये और एक उस वाली रूफ पे हैं। मतलब 4-5 बेलें हैं जिनको मुझे इस पे चढ़ाना है, तो ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा जब ये पूरा सा चढ़ जाएंगी तो अच्छी सी लगेगी। शेयर करने वाली हूँ अपनी एक छोटी सी क्रिएशन, क्योंकि नॉर्मल हर लड़कियों की तरह मैंने थोड़ी थोड़ी सी कढ़ाई, थोड़ी सी सिलाई, थोड़ी सा क्रोशिया, थोड़ा सा स्वेटर बुनना सीखा है। तो फाइनली जो कढ़ाई है, मुझे काफ़ी टाइप्स ऑफ कढ़ाई आती हैं, मतलब जितने काफ़ी सारी तरह की होती हैं। तो उसमें से एक लखनऊ का ये चिकन वर्क है, जो कि लखनऊ में आपने काफ़ी सुना होगा, लखनऊ का चिकन वर्क काफ़ी फेमस है। तो ये मैंने नॉर्मल सा प्लेन सा कपड़ा रखा हुआ था, उसको सोचा कुछ क्रिएटिव करने का दिल किया, तो मैंने सोचा ये बनाती हूँ। तो मैंने घर के सामने ही छपाई होती है, मेरे मतलब कुर्ते छपते हैं, क्योंकि लखनऊ की चिकनकारी फेमस है और जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे चिकनकारी काफ़ी होती है। तो मैंने इस तरह का छपवा कर उस पर कढ़ाई करी है। ये घास पत्ती कहलाती हैं, ये घास पत्ती की कढ़ाई है, और ये जो बीच बीच में हैं ये फंदे हैं, इन्हें फंदा कहते हैं। तो इससे पूरा मैंने अपना नेक अच्छा सा भारी सा बनाया है, और स्लीव्स पे काफ़ी छोटे छोटे से इस तरह से किया। वैसे स्लीव्स पे भी इस तरह की छोटे छोटे से फ्लावर्स की बूटियाँ थीं पूरे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लेकिन उससे मैं बहुत थक गई थी, नहीं दिल चाह रहा था और काटने का, बोर हो गई थी काफ़ी, तो मैंने उसको वॉश कर दिया तो वो क्लियर हो गई हैं। साथ ही साथ मैंने दामन पे भी थोड़ा सा बॉर्डर टाइप का छपवाया था, तो इस तरह से ये मैंने किया हुआ है। और इसके बैक में एक छोटी सी बूटी दी हुई है, बस इस तरह से।
तो ये मेरा छोटा सा क्रिएशन था, मैंने कढ़ाई करी क्योंकि कढ़ाई का किसी वक्त में बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था मुझे, काफ़ी अच्छी फ़ाइन कढ़ाई आती है मुझे, लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ कढ़ाई। तो आपको मेरी ये कढ़ाई कैसी लगी, मेरा ये चिकनकारी मेरी कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेन टॉपिक पर नताशा वकास के, नताशा वकास को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि लाइक अदर यूट्यूबर्स जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मैं सोचती थी बस मेरी वीडियो वायरल हो जाए, कोई बड़ा यूट्यूबर मुझे शाउट आउट दे दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को मेल करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता, तो मैंने भी ऐसे ही मेल कर डाले बहुत सारे यूट्यूबर्स को, लेकिन उसमें से 2-3 यूट्यूबर का रिप्लाई आया। और मैं नताशा वकास को हर उसमें वीडियोज़ में आप मुझे शॉर्ट आउट दे दिया, आप मुझे शॉर्ट आउट दे दिया ऐसा कह दी, तो उन्होंने मुझसे और मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे परेशान होकर एक वीडियो बनाई थी बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा था आप शॉर्ट आउट नहीं मांगे, आप मेहनत करते रहें और आपको फल मिलेगा। तो ठीक वैसे ही मुझे भी उनकी उस वीडियो से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो नताशा वकास की उस वीडियो से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे शॉर्ट आउट तो नहीं मांगा उसके बाद किसी से भी, लेकिन हाँ उसके बाद नताशा वकास ने मेरे हर क्वेश्चन का, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उन्होंने मुझे आंसर करना स्टार्ट कर दिया। वो मेरे हर क्वेरी को फिर सॉल्व करने लगी, मुझे थोड़ा सा आइडियाज़ देने लगी, मुझे बताने लगी। उसमें से कुछ ये छोटे छोटे से मैसेजेस हैं, बाकी पीछे के जो मैसेजेस हैं, जो पुराने मैसेजेस हैं, वो डिलीट हो गए हैं। मतलब ऑटोमेटिकली जब आपके बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं तो पिछले के जो मैसेज होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, तो वो सारे मैसेज डिलीट हो गए हैं। और जो थोड़े बहुत अभी इस टाइम हैं वो हैं, और नताशा वकास ने अभी भी वो मुझे काफ़ी सारे चीज़ों पर सपोर्ट करती हैं, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही कम बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो छोटे यूट्यूबर्स को आंसर करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनको आंसर करते हैं। तो नताशा वकास एक वन ऑफ द बेस्ट हम्बल पर्सन हैं जिन्होंने आंसर किया और आज भी आंसर करती हैं, और जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करती हैं वो, तो मैं उनको दिल से, अपने दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू नताशा वकास अप्पी और नताशा वकास। और साथ ही साथ एक और यूट्यूबर हैं जो इंडिया से हैं, काफ़ी बड़ी यूट्यूबर, उनके 5 लाख समथिंग सब्सक्राइबर उनके भी हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली आकर मेरे वीडियो पर कमेंट किया काफ़ी अच्छा सा, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मैंने उनको मेल भेजे हुए, मुझे 1 महीना हो गया, उनका कोई आंसर नहीं आया है, अभी फिर से मैंने मेल भेजा है, अगर उनका आंसर आ जाता है तो मैं उनको भी थैंक यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि बिना किसी के परमिशन के आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो मैं जब उनका आ जाएगा तो मैं अगेन नताशा वकास को थैंक यू कहना चाहूँगी दिल से। आप बहुत ही अच्छी हैं, आपने सच में मुझे बहुत ही गाइड किया, मुझे बताया कि रास्ते बताएँ थोड़े बहुत, तो जिसके वजह से मैं थोड़ा ग्रो कर पाई, मैं थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला। तो थैंक यू सो मच। अगर आप भी मेरी तरह नताशा वकास से हेल्प चाहते हैं तो आप भी उनको फॉलो करें, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन फ्रेंड्स।